हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल गोपाल में। तो दोस्तों, आज हम यहाँ शुरू करने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल सॉल्यूशन। उनका डिटेल में सॉल्यूशन देखेंगे कि किस तरीके से उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, क्या ट्रिक लगा के हम सॉल्व करने वाले हैं, तो यह देखने वाले हैं। तो ये क्लास दोस्तों UPPCL, PGCIL, UPRVNL, TG2 और जितने भी इलेक्ट्रीशियन वाले ITI वाले बंदे हैं उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल क्लास होने वाली है दोस्तों। तो इस क्लास को हमारी पूरी देखना आप लोग, तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरी देखना। और ये 20 को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि ये अलग अलग एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन हैं जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं ये। तो ये क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए, तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो को देखें दोस्तों। तो और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल गोपाल को, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन क्या होगा, तो क्वेश्चन हमारा है द पार्टिकल विच रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, वह पार्टिकल कौन सा होता है जो न्यूक्लियस के अराउंड यानी कि न्यूक्लियस के चारों ओर में घूमता है। तो हम यह न्यूक्लियस बना लेते हैं। ठीक है, हमने यह न्यूक्लियस बनाया। ठीक है, इसके जो चारों ओर घूमता है, चारों ओर घूमता है, इसके अंदर इस चारों ओर कक्षाओं में इसके क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स ही तो होते हैं, प्रोटॉन नहीं होते। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तो अंदर होता है यहाँ नाभिक में इसमें। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स हमारी बाहरी कक्षाओं में घूमते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन है द चार्ज ऑफ प्रोटोन इज, प्रोटोन पे जो चार्ज होता है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है। ठीक है, हमारा देखिए प्रोटोन, प्रोटोन, प्रोटोन पे चार्ज होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। ठीक, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव। ठीक, और न्यूट्रॉन, फिर आता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। ठीक है, न्यूट्रॉन पे हमारा कोई चार्ज नहीं होता, नो चार्ज, नो चार्ज। ठीक, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अब प्रोटॉन पे और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो दोनों सेम होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, अब ये पॉजिटिव है, यहाँ देखिए आप देख रहे हैं पॉजिटिव है ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में निगेटिव है। तो ऑप्शन बी का जो है ये जो है ये इलेक्ट्रॉन का है। ठीक है, और ऑप्शन ए का जो है ये प्रोटॉन का है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है द चार्ज ऑफ प्रोटॉन इज, प्रोटॉन का चार्ज पूछा, पॉजिटिवली चार्ज होता है प्रोटॉन पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है द कंडीशन फॉर द वैलिडिटी अंडर ओम्स लॉ इज दैट द। ठीक है, ओम्स लॉ में कौन सी कंडीशन जो होती है वो सेटिस्फाई होती है, कौन कौन सी कंडीशन है इसमें देख लेते हैं। टेम्परेचर शुड बी रिमेन कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होना चाहिए। करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, आई जो है प्रोपोर्शनल होनी चाहिए वोल्टेज के। द कंडक्टर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, कंडक्टर का रेजिस्टेंस हाई होना चाहिए। नहीं, ऐसा तो कोई कंडीशन है नहीं भाई, हमने तो सुना नहीं। द कंडक्टर मटेरियल इज ऑफ कॉपर, ऐसा भी कोई नहीं सुना। तो सबसे पहले जो कंडीशन आती है वो ये आती है ऑप्शन नंबर ए वाली, टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी रिमेन कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर शुड बी रिमेन कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर जो है कॉन्स्टेंट होना चाहिए। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर कहता है द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, रेजिस्टेंस जो होता है आर बराबर रो एल अपॉन में ए। ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो रेजिस्टेंस इसमें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल तो ए के हैं। ए क्या होता है, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, और एल हमारी है लेंथ। ठीक है, एल लेंथ, ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव कहता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ए वायर डिपेंड्स अपॉन, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है जिसको हम रेजिस्टिविटी या रो, जिसे हम डिनोट करते हैं रो से, और बोलते हैं इसको रेजिस्टिविटी भी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, ये जो होती है रेजिस्टिविटी, इसको हम रो से डिनोट करते हैं, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोलते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, कंडक्टर की लेंथ पे, ऐसा तो कोई सुना नहीं, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, डायमेंशन पे, इट्स मटेरियल पे डिपेंड करता है। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट होगा। जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जिसे हम रो बोलते हैं, आर बराबर रो एल अपॉन में ए, तो जो ये वाला रो होता है रेजिस्टिविटी, ठीक है, जो रेजिस्टिविटी होता है ये हमारा जो वायर है, ठीक है, जो वायर है ना, वायर होता है उसके मटेरियल पे डिपेंड करता है कि किस मटेरियल का वो वायर बना है। ठीक है, और किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, उसकी लंबाई पे भी नहीं करेगा,
उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी नहीं करेगा, उसके डायमेंशन पे भी नहीं करेगा, उसके मटेरियल पे डिफाइन करेगा, डिपेंड होगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द क्वांटिटी ऑफ चार्ज दैट विल ट्रांसफर इन ए सर्किट बाई ए करंट फ्लो ऑफ 2 एम्पियर ओवर 1 मिनट पीरियड। ठीक है, 1 मिनट, यहाँ देखा क्या 1 मिनट, और ये 2 एम्पियर करंट। ठीक है, तो आई बराबर लिख लेंगे, आई बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, और टी बराबर कितना है, 1 मिनट है, तो 1 मिनट को हम लिखेंगे 60 सेकेंड, इसको हम सेकेंड में लेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो क्यू बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा ही होगा, क्यू बराबर आई टी। ठीक है, आई बराबर हमारा करंट है, टी बराबर समय है, टाइम। ठीक है, तो करंट हमारा कितना है यहाँ पे, 2 एम्पियर का करंट है इंटू, और टाइम कितना है, 60 सेकेंड का टाइम है 60। ठीक है, तो क्यू बराबर कितना आएगा, 120। क्यू बराबर 120 कूलम, 120 कूलम आया। अब इसको हम क्या, 1.2 इंटू देन टू द पावर 2। अब इसको मैं ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, ये दो जीरो है इधर, दो जीरो है, तो एक जीरो इधर चला जाएगा, तो पॉइंट ऑब्वियसली हट जाएगा भाई, तो 120 ही आंसर आएगा इसका, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ ए पीस ऑफ एल्यूमिनियम वायर स्ट्रेस टू रिड्यूस इट्स डायामीटर टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू द रेजिस्टेंस विल बिकम, तो रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, एक एल्यूमिनियम का वायर है, उसका खींचा गया है, उसका खींच के उसका डायामीटर जो है कम किया गया है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू से आधा किया गया है, तो रेजिस्टेंस फिर दोबारा कितना होगा। ठीक है, नया रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मैं बता देता हूँ, जहाँ डायामीटर और रेडियस का बात आती है, रिड्यूस का या इंक्रीज का, तो आर न्यू बराबर आर ओल्ड अपॉन की एन की पावर 4 फॉर्मूला आता है। ठीक है, ये आता है, तो अब हम लिखेंगे, तो कितना किया गया, हाफ किया गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे आर ओल्ड तो कुछ दिया नहीं है, ठीक है, आर ओल्ड की वैल्यू तो कुछ दी नहीं है, तो यहाँ 1 अपॉन में DY2 करेंगे, उसकी पावर 4 कर देंगे, तो यहाँ 16 हो जाएगा, तो 16 फिर ये ऊपर चले जाए, ऊपर जाएगा ना यहाँ पे, ये भाई ये वाला तो यहाँ पर चला जाएगा, तो आर न्यू बराबर 16 टाइम्स हमारा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, व्हाट इज द पॉसिबल वे ऑफ कनेक्शन ऑफ 300 ओम रजिस्टर टू गेट एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ 300 ओम। तो ये बोल रहा है, तो ऐसे पॉसिबल रास्ता कौन सा होगा जिसको 200 ओम के रजिस्टर को हम किस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हमें टोटल रेजिस्टेंस 300 ओम मिल जाए। ठीक है, किस तरीके से हम इसको कनेक्ट करेंगे। अब भाई पहला ऑप्शन क्या कहता है, पहला ऑप्शन बोला है 3 रजिस्टर इन सीरीज, भाई तीनों ओम सीरीज में कर देंगे तो हमारा 600 ओम हो जाएगा टोटल, हमें चाहिए कितना 300 ओम, ये ऑप्शन क्वेश्चन में बोल रहा है हमें 300 ओम चलेंगे टोटल, तो ये तो गलत। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, ऑप्शन नंबर बी है, ये बोल रहा है द 3 रजिस्टर इन पैरेलल, 3 रजिस्टर जब पैरेलल में कनेक्ट हैं, जब पैरेलल में कर देंगे, तीनों को पैरेलल में कर देंगे। अब देखिए 3 रजिस्टर है, ठीक है, ये है, अब इसको भी, ये भी, अब ये तीनों जो है मतलब 200 ओम के हैं, ये भी 200 ओम का है, ये भी 200 और ये भी 200, तब इनका टोटल हम निकालेंगे 1 अपॉन आर इक्वलेंट्स है, ठीक है, 1 अपॉन 200 प्लस के 1 अपॉन 200, तब हमारा ये भी इस तरीके से भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा, हमें 300 नहीं मिलेगा और हमें कम ही मिलेगा इससे। ऑप्शन नंबर जो 4 है, डी है, ये बोल रहा है, ये कुछ बोलना चाह रहा है, देखिए ये बोल रहा है 2 रजिस्टर इन पैरेलल एंड दिस रजिस्टर इन सीरीज, मैं इंक ये हटा देता हूँ सब यहाँ से, ठीक है, ये बोल रहा है 2 रजिस्टर पैरेलल एंड दिस रजिस्टर इन सीरीज विद द पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये बोलना चाह रहा है 2 रजिस्टर 200 ओम के, ठीक है, 200 ओम के ये पैरेलल में लगाओ पहले, ठीक है, ये 200 ओम का है और भाई ये भी 200 ओम है, ठीक है, ये 200 ओम, फिर इसके सीरीज में एक 200 ओम का और लगा दो, ठीक है, इस तरीके से ये सर्किट बनेगा, ठीक है, 200 ओम, ठीक है। अब ये 200 और 200 हमारे पैरेलल में है, अब इन 200 और 200 का जो सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन हम सॉल्व करेंगे तो 100 आएगा, जो टोटल आएगा वो 100 ओम आएगा, ठीक है, और 100 और 200, अब इनको हम काउंट करेंगे तो ये टोटल हमारा 300 आया कि नहीं आया, आया, तो क्वेश्चन में यही पूछ रहा है कि इफेक्टिव टोटल रेजिस्टेंस हमारा
300 ओम हमें चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट होगा इसको इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, व्हेन 50 रजिस्टर्स ऑफ 100 ओम ईच आर कनेक्टेड इन पैरेलल, आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट रजिस्टेंस इज, यानी कि 50 नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं, नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं 50, नंबर ऑफ रजिस्टर 50 हैं और रेजिस्टेंस कितना है आर बराबर 100 ओम का ईच, यानी कि हर एक रेजिस्टेंस 100 ओम का है और 50 रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, समझ गए, ये इस तरीके से पैरेलल में कर कर रहे 50 रेजिस्टेंस इसी तरीके से ये यहाँ पे कनेक्ट हैं, ठीक है। अब ये बोल रहा है इक्विवेलेंट, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना हो जाएगा, 50 रेजिस्टेंस 100 ओम के हैं, तो अब सिंपल सा करना है आपको, ऊपर लिखिए 100, ठीक है, आर बराबर 100, एक रेजिस्टेंस को ले लीजिए, ठीक है, ये 100 का है, ये भी 100 का है, ये भी 100 का, ये भी, तो एक ले लो 100 ओम का और डिवाइड कर दो कितने रेजिस्टेंस है, टोटल कितने हैं, अगर सेम वैल्यू के हैं सभी रेजिस्टेंस 50 के 50, यदि सेम वैल्यू के हैं ना, सेम वैल्यू के हैं सेम, तब आपको क्या करना है, तब आपको एक रेजिस्टेंस कोई भी उठा लो, जैसे 100 ओम का हमने ऊपर ले लिया और टोटल गिन लो कितने हैं, 1 2 3 4, इस तरीके से गिन लिया हमने 50 हैं तो 50 से डिवाइड कर दो, ठीक है, गया 5 × 10, तो आर बराबर 2 ओम, आर बराबर 2 ओम हमारा टोटल रेजिस्टेंस आया, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, ए वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, एक वायर है उसका रेजिस्टेंस 20 ओम है, आर बराबर 20 ओम, ठीक है, वे कह रहा है इफ़ द बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, ये सर्कल के फॉर्म में है, अब मैं सर्कल यहाँ बना देता हूँ, ठीक है, सर्कल बना देता हूँ, ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से ये बोलना चाह रहा क्वेश्चन, इन द बेंट व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट ऑन द डायामीटर ऑफ द सर्कल, डायामीटर ऑफ द सर्कल, देखिए 2 पॉइंट ए और बी हमने कर दिया, अब ये आर वन और आर टू, ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस 20 है, तो भाई 10 यहाँ होगा 10 यहाँ होगा, तभी तो क्वेश्चन बोल रहा है 20 ओम का रेजिस्टेंस, अब ये दोनों हमारे पैरेलल में कनेक्ट हैं, अब पैरेलल का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, आर वन इंटू आर टू अपॉन में आर वन प्लस के आर टू, ठीक, इस तरीके से करेंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस जो आएगा वो हमारा 5 ओम हो जाएगा, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हुआ। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, व्हेन ए सेल ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट, एक सेल है उसका ईएमएफ कितना है, ईएमएफ 2 वोल्ट है, इस कनेक्टेड अक्रॉस 3.9 ओम के रेजिस्टेंस, आर बराबर 3.9 ओम, 3.9 ओम के रेजिस्टेंस से ये मतलब कनेक्ट है, ठीक, इफ़ इट इज़ टर्मिनल वोल्टेज फाउंड टू बी 1.9295 वोल्ट, टर्मिनल पे जो वोल्टेज है वो 1.95 वोल्ट है, ठीक है, फिर बोल रहा है व्हाट इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, तो सेल का हमें इंटरनल रेजिस्टेंस बताना है, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बताना, मैं इसका यहाँ आपको डायग्राम बना के दिखाना चाहता हूँ, ठीक है, ये बना हमारा ईएमएफ, ठीक, ये तो यहाँ रहने दीजिए, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं, ठीक है, और ये लोड पर रेजिस्टेंस है आर, ये आर बराबर कितना है 3.9, ईएमएफ बराबर कितना है 3, ईएमएफ कितना है 2 वोल्ट है और टर्मिनल पे जो वोल्टेज है यहाँ, ठीक है, यहाँ पर टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रही है कितनी 1.95 वोल्ट में मिल रही है, ठीक है, तो हमें सिंपल सा फॉर्मूला, ये इंटरनल रेजिस्टेंस जो है इसकी वैल्यू बतानी है, तो R बराबर जो होता है R बराबर E माइनस V अपॉन में V इंटू R, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले की सहायता से आप इस इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल R जो है इसकी वैल्यू आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो E बराबर हमारा है कितना, E बराबर देखिए, ठीक है, EMF कितना है 2 वोल्ट, EMF 2 वोल्ट, 2 माइनस V कितना है 1.95 वोल्ट, ठीक है, अब 1.95, ठीक, अब इंटू गुणा करेंगे 3.9 से, ठीक है, ये रेजिस्टेंस था, अब कित ऊपर कितना हुआ 0.05 डिवाइडेड बाई 1.95
नाइन फाइव, अब मल्टीप्लाई 3.9। अब 3 पॉइंट, ये 3.9 इंटू 0.05 करेंगे तो ऊपर आएगा, यहाँ पे आएगा 0.195 डिवाइडेड बाई 1.95। तो अब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे, 0.195 को 1.95 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा तो 0.1 ओम आएगा, 0.1। अब 0.1 किस में? ऑप्शन नंबर वी, ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? टू रजिस्टर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, दो रजिस्टेंस हैं वो पैरेलल में कनेक्ट हैं, एक्रॉस ए वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज सोर्स से पैरेलल में कनेक्ट हैं, ठीक है, दो रजिस्टेंस हैं। मैं यहाँ बना दे रहा हूँ डायग्राम, ये देखिए सर्किट बना दिया मैंने इसका, ये सर्किट बना, दो रजिस्टेंस बना दिए, अब एक वोल्टेज सोर्स मैं यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये कनेक्ट हुआ वोल्टेज सोर्स, ये प्लस ये माइनस, ये R1 है, R1 और ये R2 है। तो क्वेश्चन कह रहा है इफ़ द पावर डिसिपेशन ईच रजिस्टर इज 5 वाट, ईच रजिस्टर इज 5 वाट, यानी कि इसमें भी 5 वाट की पावर डिसिपेट हो रही है, 5 वाट की ऊर्जा खर्च कर रहा है, ये भी एनर्जी ले रहा है, ठीक है, कंज्यूम कर रहा है अपने अंदर रजिस्टेंस, और ये भी 5 वाट की, ठीक। तो क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल पावर सप्लाइड बाय द वोल्टेज सोर्स, तो टोटल पावर जो होगी यहाँ पे पी टोटल, ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स कितनी टोटल पावर सप्लाई कर रहा है। भाई साहब आप यहाँ देखिए, जब पावर होती है P1 प्लस P2 हो जाती है पैरेलल में, ठीक है, और P1 इंटू P2 अपॉन में P1 प्लस के P2, ये होती है सीरीज में, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है सीरीज का, ये होता है पैरेलल का। तो ये फॉर्मूला अब यहाँ पैरेलल में है तो भाई ये ऐड हो जाएंगी, 5 और 5 10, तो ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट होगा यहाँ पे। अब ये वाले जो है पावर जो होती है ये सीरीज में होती है ना पावर, तो वो इस तरीके से निकलेगी, इस फॉर्मूले से सेम उस तरीके से निकलेगी जिस तरीके से रेजिस्टेंस को हम पैरेलल में निकालते हैं, जिस तरीके से हम रेजिस्टेंस को पैरेलल में निकालते हैं ना, ठीक, उसी तरीके से पावर हमारी सीरीज में निकलती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द करंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट इज एनालोगियस टू मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में ठीक है हम करंट बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट बोलते हैं करंट, देन मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है, मैग्नेटिक सर्किट में क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सर्किट में बोलते हैं फ्लक्स। मैं आपको पूरा डाटा लिखवा रहा हूँ जितने भी हैं, ठीक है। अब देखिए EMF होता है, EMF को क्या बोलते हैं, EMF को बोलते हैं मैग्नेटिक सर्किट में MMF, और MMF का फॉर्मूला होता है MMF बराबर N इंटू I, ये N बराबर होता है नंबर ऑफ टर्न्स और I बराबर करंट, ठीक है। और आता है इलेक्ट्रिकल में बोलते हैं एक को रेजिस्टेंस, ठीक। अब रेजिस्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल में, और मैग्नेटिक सर्किट में होता है रिलक्टेंस, ठीक। और इसको हम रिलक्टेंस को S से डिनोट करते हैं। फिर आता है कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कंडक्टेंस आता है कंडक्टेंस, ठीक, और जिसको हम G से डिनोट करते हैं, किससे, G से। और मैग्नेटिक सर्किट में आता है परमियंस, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट में आता है रेजिस्टिविटी, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सर्किट में आता है रेजिस्टिविटी, और मैग्नेटिक सर्किट में आता है रिलक्टिविटी, ठीक है। तो ये डाटा आपको याद रखना है, ये बहुत सारे मतलब पूछ लेता है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में पूछा है कि करंट को इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट बोलते हैं तो मैग्नेटिक सर्किट में क्या बोलेंगे, तो मैग्नेटिक सर्किट में फ्लक्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। द रिलेशन बिटवीन म्यूचुअल इंडक्टेंस एम और सेल्फ इंडक्टेंस L1 और L2, ठीक है, तो कोफिशिएंट कपलिंग के बराबर बताना है, के बराबर क्या होता है, तो दोस्तों के बराबर जो होगा एम अपॉन में अंडर रूट के L1 इंटू L2 होता है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा भी होगा, और एम बराबर होता है
के इंटू अंडर रूट के L1 इंटू L2, ठीक है। यह फॉर्मूला आपने पढ़ा भी होगा, तो ऑप्शन नंबर बी देखो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर बी सही बैठ रहा है हमारा। तो क्वेश्चन नंबर अगले क्वेश्चन में चलते हैं 16 पे। द यूनिट ऑफ फ्लक्स डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी यानी कि डी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इसी को बोलते हैं फ्लक्स डेंसिटी, इसकी यूनिट होती है टेस्ला, मैग्नेटिक की इसकी डेंसिटी की यूनिट होती है टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, और इसका फॉर्मूला पूछा अभी फोर्स का, एफ बराबर मैग्नेटिक फोर्स का एफ बराबर आपने पढ़ा ही होगा बी आई एल साइन थीटा, एफ बराबर बी आई एल साइन थीटा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी ये कोई शायद होगा जो इस फॉर्मूले को इंजीनियरिंग फॉर्मूले में नहीं पढ़ा हुआ उसने, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आता है। क्वेश्चन नंबर जो 18 आता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर कैरिंग ए करंट 2 एम्पियर प्लेस्ड प्लेस्ड एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, स्ट्रेंथ 1 टेस्ला। अब क्वेश्चन बोल रहा है ए लेंथ, लेंथ कितनी है एल, एल बराबर कितना 0.5 मीटर, ठीक है, और करंट कितनी कैरी कर रहा है आप यहाँ देख रहे हैं 2 एम्पियर करंट है, आई बराबर 2 एम्पियर, ठीक है, आई बराबर 2 एम्पियर, प्लेस एट राइट एंगल टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 टेस्ला, यानी कि बी बराबर कितना है 1 टेस्ला, बी बराबर 1 टेस्ला है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे एफ बराबर बी आई एल, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है, एफ बराबर बी की वैल्यू हम रखेंगे 1 है इंटू आई की वैल्यू रखेंगे 2 है, एल की वैल्यू रखेंगे 0.5। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1 करेंगे और 2 इंटू 0.5 करेंगे, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी, ठीक, तो ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट होगा, एफ एफ बराबर 1 न्यूटन, ठीक है, इतना फोर्स लगेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द कोर इन इलेक्ट्रिकल मशीन आर जनरली मेड ऑफ लेमिनेशन टू रिड्यूस, तो जो इलेक्ट्रिकल मशीन में जो कोर्स बनी हुई होती हैं, इलेक्ट्रिकल मशीन में जो जितनी भी मशीन होती हैं उनकी जो कोर बनती हैं, ठीक है, वो किस मटेरियल की बनती है और उन पर जो लेमिनेशन होती है वो क्यों की जाती है लेमिनेशन, ऑप्शन इसमें दे रखे हैं आप देख रहे होंगे। ऑप्शन नंबर एडी करंट लॉस को रिड्यूस करने के लिए, हाइस्टेसिस लॉस को, कॉपर लॉस को, ऑल ऑफ द अबव। तो जो लेमिनेशन होती है, देखिए जैसे ये कोर आप यहाँ देख रहे हैं, ये कोर है, सपोज ये ट्रांसफॉर्मर की कोर है, मैंने एक ट्रांसफॉर्मर की कोर यहाँ पर बनाई है, तो ये कोर जो बनाई जाती है ना, ये हाई परमियाबिलिटी मटेरियल, हाई परमियाबिलिटी मटेरियल की ये कोर बनाई जाती है, ठीक है। अब जिसको हम ये हाई परमियाबिलिटी कौन सा मटेरियल होता है, ये होता है सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील, सिलिकॉन स्टील की यह कोर बनाई जाती है। अब होता क्या है, सिलिकॉन स्टील की जब एक कोर बनाई जाती है तो इस कोर में एक बहुत पतली लेयर की एक लेमिनेशन चढ़ाई जाती है, इसमें 2 टाइप के लॉसेज होते हैं मशीन्स में, ठीक है, एक कोर लॉसेज होते हैं, ठीक है, कोर लॉसेज, एडी करंट लॉसेज होते हैं और हाइस्टेसिस लॉस होते हैं। इन एडी करंट और हाइस्टेसिस लॉस के लिए, ठीक है, या सिलिकॉन स्टील कंटेंट का यूज़ किया जाता है, और जो लेमिनेशन यूज़ करते हैं बहुत पतली लेयर की यहाँ पे कोर में, ठीक है, वो स्पेशली लेमिनेशन जो करते हैं वो एडी करंट लॉस जो होता है ना उसको रिड्यूस करने के लिए हम लेमिनेशन यहाँ पे करते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, द रिलक्टेंस ऑफ मैग्नेटिक सर्किट वेरीज एस, जो रिलक्टेंस होता है इलेक्ट्रिकल सर्किट वो मैग्नेटिक सर्किट में वो किस तरीके से वेरी करता है। तो पहले मैं यहाँ रिलक्टेंस का फॉर्मूला लिखता हूँ, रिलक्टेंस को हम एस से डिनोट करते थे, एस बराबर होता है 1 अपॉन वो सॉरी एल अपॉन म्यू इंटू ए, ठीक है, ये हमारा रिलक्टेंस का फॉर्मूला होता था। अब एल बराबर आपको पता ही है लेंथ है, एल बराबर लेंथ, और ए बराबर जो है वो एरिया, ठीक है, तो जो रिलक्टेंस होता है वो लेंथ लेंथ अपॉन में एरिया, लेंथ अपॉन में एरिया, इसी तरीके से तो वेरी कर रहा है। अब देख लेते हैं लेंथ अपॉन में एरिया ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारी ये वीडियो आपको कैसे लगी, यहाँ मैंने 20 क्वेश्चन आपको फिनिश कराए हैं, 20 क्वेश्चन मैंने फिनिश कराए हैं। यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आया है तो
तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, मैं उस क्वेश्चन को आपको अगली वीडियो में के माध्यम से समझाने का प्रयास करूँगा। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे चैनल को बिना सब्सक्राइब करें ना जाएं। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मैं इस तरीके की वीडियो आपको डालता रहूं। और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो आज की वीडियो को यहीं फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।